अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर असद नकवी, होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूअर्स, एडल 36, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। आज मैं इस मेडिसिन का रिव्यू करूंगा। इस मेडिसिन में होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन कॉम्बिनेशन है और कौन से सिम्टम्स पर यह मेडिसिन यूज़ करके आप इस मेडिसिन से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मुझसे कोई पर्सनल में बात करना चाहते हैं अपने किसी डिजीज़ के बारे में, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप थोड़ी सी फ़ीस अदा करके मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉल नहीं करनी, ओनली वॉइस मैसेज में बात करनी है। एडल 36, ये मेडिसिन जिंसी गुदूदों को तारीख देकर जिंसी कुव्वत को बहाल करती है। इसके अलावा मर्दाना अमराज से मुतलका ऑल सिम्टम्स पर इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा वर्क है। इस मेडिसिन में जो मेडिसिन ऐड हैं, जो मेडिसिन मरकब हैं, शामिल की गई हैं होम्योपैथी की, उनमें एसिडफास, क्लैडियम, न्यूफरलोटियम, कोनियम, स्टाफिसेगेरिया और यूहिमबेनम वगैरह, ये बहुत ही ताकतवर मेडिसिन है होम्योपैथी की, जो कि जिंसी कुव्वत को बहाल करने के लिए यूज़ करवाई जाती हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन या जहनी दबाव की वजह से आप में अगर मर्दाना कुव्वत ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कुव्वत-ए-बा का कम हो जाना, ख़त्म हो जाना, तो ऐसी सूरत में ये मेडिसिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। 15 से 20 कतरे आधा कप पानी में दिन में 3 बार और मौजूदा अलामात की सूरत में ये मेडिसिन आपने 1 मंथ तक यूज़ करनी है। अगर ख्वाहिश-ए-जुमा बिल्कुल ख़त्म हो जाए या ख्वाहिश-ए-जुमा कम हो जाए, यानी कुव्वत-ए-बा ख़त्म होना या कुव्वत-ए-बा कम हो जाना, और आप मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे एलोपैथिक, हर्बल या यूनानी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, लेकिन आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे में एडल 36 आपके लिए काफ़ी मददगार है। 15 से 20 कतरे आधा कप पानी में दिन में 3 बार और मेडिसिन का यूज़ है 1 मंथ। इसके अलावा जरियान मज़ी, अगर पेशाब से पहले या बाद में मज़ी के कतरे ड्राप्स खारिज होते हों और आप इलाज करवा कर थक गए हों और कोई भी मेडिसिन आपको असर ना कर रही हो, तो ऐसे में एडल 36 15 से 20 कतरे आधा कप पानी में दिन में 3 बार और मेडिसिन का यूज़ है 1 मंथ। एडल 36 जिंसी असाबी कमज़ोरी को ठीक करने के साथ आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी बहुत कम में, यानी बहुत कम टाइम में कवर कर लेती है। 15 से 20 कतरे आधा कप पानी में दिन में 3 बार और मेडिसिन का यूज़ है 1 मंथ। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन यानी मुश्तज़नी या इंटरकोर्स जुमा करने से अगर जिंसी कमज़ोरी पैदा हो जाए, जैसे ढीलापन, सूरत अनजाल, ख्वाहिश-ए-जुमा का कम हो जाना वगैरह, ऐसी सूरत में एडल 36 आपके लिए काफ़ी मददगार है। 15 से 20 कतरे आधा कप पानी में दिन में 3 बार और मेडिसिन का इस्तेमाल है कम से कम 1 मंथ तक। ऐसे अफराद जिनको शुगर की वजह से कुव्वत-ए-बा कम हो गई हो या कुव्वत-ए-बा बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, यानी मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो गई हो, साथ असाबी कमज़ोरी या आम जिस्मानी कमज़ोरी, इसके साथ पेशाब का बार बार आना जैसी अलामात अगर आप में पाई जाएँ, तो एडल 36 आपके लिए काफ़ी मददगार है। इन अलामात पर 15 से 20 कतरे आधा कप पानी में दिन में 3 बार और मेडिसिन का यूज़ है कम अज़ कम 1 मंथ तक। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक इस मेडिसिन के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन मेरा फिर भी यही मशवरा है कि आप मेडिसिन यूज़ टाइम किसी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से इस्लाह लाजमी ले लिया करें, और इसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ टाइम आप फास्ट फूड और खट्टी चीज़ों से आप मुकम्मल तौर पर अवॉइड किया करें। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इससे फ़ायदा लेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और डिज़ीज़, किसी और मेडी पर। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।